सो आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है। इस वाली वीडियो के लिए मैं खुद एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं पहली बार एक सेम पावर आउटपुट वाले चार्जर्स का चार्जिंग टेस्ट करूँगा, लेकिन यहाँ पे जो डिवाइसेज है थोड़े से डिफरेंट है। पोको X3, पोको M2 Pro और Xiaomi का Mi 10i, इन दोनों ही फ़ोन की जो प्राइसिंग है आपको 20,000 के अराउंड और नीचे मिलती है। पोको M2 Pro को मिलेगा 15,000 रुपये के अराउंड, X3 मिलेगा 17,000 में और Mi 10i है 20-22,000 रुपये के अराउंड का। और अगर हम नज़र डालें इनके चार्जर्स के ऊपर तो आपको मिल जाएगा 11W 3A, मतलब 33W का चार्जर है ये तीनों। नई फ़ोन अभी आपको स्विच ऑफ है, देख लीजिए। और अगर बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो पोको X3 सबसे ज़्यादा है, 6000mAh बैटरी है इसके अंदर। उसके बाद आता है पोको M2 Pro, इसमें 5000mAh बैटरी है। और उसके बाद आएगा Mi 10i, इसके अंदर 4820mAh बैटरी है। चार्जिंग स्टार्ट करने से पहले टेम्परेचर ले ले जाए तो पोको M2 Pro बीच में 19.3, Mi 10i 19.7 और पोको X3 19.2, मतलब कि सेम टेम्परेचर। और ये स्टार्ट सबसे पहले लाइट आती है, ओके दोनों में सेम आई है, पोको M2 Pro में और Mi 10i में। X3 हल्का सा लेट था। इन दोनों फोन को 5 मिनट चार्ज करते हैं, उसके बाद इनको ऑन करते हैं। सो 5 मिनट कंप्लीट हो चुका है। Mi 10i है 13% के ऊपर, पोको M2 Pro है 11% पे और X3 है 7% पे, काफ़ी पीछे। X3 काफ़ी स्लो लग रहा है मुझको, M2 Pro सबसे पहले ऑन हुआ है, उसके बाद Mi 10i और उसके बाद X3 काफ़ी पीछे है। सो 12 मिनट हो चुका है, Mi 10i है 26% पे, पोको M2 Pro 24 पे और X3 काफ़ी पीछे चल रहा है 18% पे। Mi 10i 29.7, पोको M2 Pro 30.8 और X3 है अभी 29.8। तो सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि तीनों फोन एकदम आइडल कंडीशन में, अपने अपने कोई बैकग्राउंड डाटा नहीं चल रहा है इनके में, एक कोई वाईफाई ऑन नहीं, कुछ ब्लूटूथ ऑन नहीं, कुछ भी नहीं है। तीनों फोन की ब्राइटनेस लेवल सेम है और कोई भी फोन यहाँ पे डार्क मोड पे नहीं चल रहा। तो अभी आपसे मिलते हैं 20 मिनट पे। Mi 10i हो गया 45% पे, काफी फास्ट है यार 20 मिनट के हिसाब से। पोको M2 Pro 41 पे, X3 33 पे, काफी पीछे। और अगर आप अपने फ़ोन को आधा घंटा चार्ज करते हो, Mi 10i है 68%, भाई इम्प्रेसिव, काफ़ी फास्ट हो रहा है। पोको M2 Pro हो जाएगा 58% और पोको X3 51%। Mi 10i की बैटरी बस 200mAh कम है पोको M2 Pro से, लेकिन देखने में लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। तो 45 मिनट्स में Mi 10i हो चुका है 92% पे, 5 मिनट में फुल चार्ज होने ही वाला है। 80% पे है पोको M2 Pro और 73% पे पोको X3। प्रीवियसली हमने देखा कि ये जो 33W का चार्जर है इसमें चार्जिंग परसेंटेज 80 के बाद बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि 50-51 मिनट में ये फुल चार्ज हो जाएगा। और पोको X3 काफ़ी ज़्यादा स्लो है, लेकिन भाई इसके अंदर 6000mAh बैटरी है। तो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, अराउंड 4400mAh पोको X3 चार्ज हुआ है और थोड़ा सा कम चार्ज हुआ है पोको M2 Pro 4100mAh और 4400mAh अगेन Mi 10i चार्ज हुआ है। तो भाई इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, X3 हल्का सा पीछे लेकिन इसने काफ़ी अच्छा मेंटेन किया हुआ है। Mi 10i 100% चार्ज हो चुका है, देखो ये नया वाला फ़ोन है 5G यहाँ पे लिखा हुआ है। पोको M2 Pro है 92% पे और इसमें अभी 9 मिनट बचा हुआ है और पोको X3 85 पे है। सिंपली Mi 10i ने लास्ट में हल्का सा स्लो चार्ज किया, लेकिन उस वक्त ही अपना टेम्परेचर पूरा लूज कर रहा था। पीछे की साइड से मोबाइल तो बहुत ज़्यादा कूल है और आगे से भी बहुत ज़्यादा आपको टेम्परेचर इसने गेन नहीं किया है, और सर्दी का मौसम भी इसीलिए। वैसे एक घंटे का चार्जिंग काउंट करें तो पोको M2 Pro 93 पे और पोको X3 है 87 पे। और यहाँ से पोको M2 Pro की जो गाड़ी है वो हल्की सी स्लो होने वाली, ऑलमोस्ट 15 मिनट लगाएगा ये बात पे चार्ज करने में, इसको देखते हैं। जस्ट अभी मैंने लैप क्रिएट किया था 1 घंटा 17 मिनट 55 सेकेंड्स पे, जो पोको M2 Pro 100% चार्ज हो गया था। टेम्परेचर ले लेते हैं सबसे पहले मोबाइल का, तो जैसे कि आप देख सकते हैं 25.1, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है और इसका चार्जर बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। 33,
सो ऑलमोस्ट एक घंटा 30 मिनट होने वाला है और अभी 99% पे है पोको एक्स थ्री का टेम्परेचर। आप देख रहे हो 25.8 आ रहा है और बहुत ज़्यादा स्लो चार्ज हो रहा है अभी ये फ़ोन। सो अभी जस्ट पोको एक्स थ्री का आपने चार्ज देखा कंप्लीट हुआ था सामने मेरे और अभी जस्ट 1% इसका गिर भी गया, पता नहीं क्या सीन है। लेकिन मी टेन आई का 1% भी गिरा नहीं है, ये अच्छी बात है। ऑप्टिमाइजेशन ऑफकोर्स इस फ़ोन की अच्छी की गई, इसका मतलब है तो सबसे ऊपर आपको यहाँ पे 58 मिनट में चार्ज हुआ था मी टेन आई, 1 घंटा 17 मिनट में होता पोको M2 प्रो और 1 घंटा 32 मिनट में होता पोको X3। और ये पोको X3 की बैटरी आप देख रहे हो कैसे गिर रही है भाई, 98 हो गई मेरे सामने बिना कुछ किए। तो बस इस वीडियो को लेते हैं था, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, पसंद आ गया होगा। देखने के लिए इस वीडियो को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।